बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मेरा फर्स्ट दिन है आज और फर्स्ट ट्रैवल है, तो दुआ कीजिएगा ये ट्रैवल खैर खैरियत से पहुँचे और आपको भी ये कौन से लाना है। बाकी दोस्तों का भी मैं दिखाता हूँ कि बाकी दोस्त भी साथ हैं, ये तमाम दोस्त साथ हैं मेरे। ये पुराने ट्रैवलर में ही आऊँ, देखो क्या नाम जो है ना, मुझे तो पता नहीं था मेरा फर्स्ट दिन था। तो लबीब चौक की साइड से हम आए हैं, जाना हमने कलर वाली साइड पे है, उससे आगे हमारी मंजिल है। तो अभी मैं आप दोस्तों का तारफ कराता हूँ। कौन से दोस्त हैं ये? वसीम साहब ने जी, साढ़े दोस्त ने नाम इंजाकत भाई ने जी, रब नवाज भाई ने जी, साढ़े फेवरेट बिलाल भाई ने जी, ना दसो फहीम भाई, उस्ताद जी इशबाज साहब ने जी, ए फ्रॉम गुजर खान, सारी पार्टी है साड़ी। तो बाकी दोस्त काफ़ी पुराने ट्रैवलर ने, दोनों संगला सफ़र तय, यहाँ से पेट्रोल फुल करा रहा हूँ। ये हमारे भाई साहब हैं, इनकी जो माइलेज काफ़ी अच्छी है, अब देखते हैं कितना डलता है इसमें। पेट्रोल डला जनाब मेरा 1020 का, तो अभी चलते हैं। अगली जो है ना, आप दाखिल हो रहे हैं कलर में, कितना ज़बरदस्त व्यू है। अभी हम कोटा से निकल रहे हैं और ये चीड़े देखें मेरे ऊपर भी, चाय आ चुकी है, चाय आने वाली है, तो इस इलाके का नाम भी पूछते हैं। उसके ऊपर देखने ये चीड़ों का सब्जा ही सब्जा है, इसको इस इलाके का नाम है पंजाड़। ये सारी टीमें बैठी हुई हैं, अभी वेट कर रहे हैं चाय का। सफ़र इंशाल्लाह होने वाला इंटरेस्टिंग। मेरे पास गोप्रो नहीं है इस वक्त, नहीं तो मज़ा आएगा। ये चाय हमारे गुजर खान वाली नहीं है, पर चलेगी। अब हम इस साइड से आए थे और ये आज़ाद पतन का पुल है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरे हिसाब से, यहाँ कोई डैम है और ये नीचे दरिया है, जो दरिया आगे भी आ रहा है और वो सामने बहुत ही हाइट पे ये पुल बन रहा है। मंजिल हमारी बहुत लंबी है, ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जो है ना अंधेरा हो जाएगा। मट्टी इतनी है कि वो देख लें सारे जवान, कोई मुँह साफ कर रहा है, कोई टोपी, और ये देख लें मोटरसाइकिलों का क्या हालत हो गई। पर क्या ठीक, अच्छा रहा यहाँ तक सफ़र, ये थोड़ा सा बचा रहा क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा चेहरा खराब, बाकी ठीक है क्योंकि कपड़े वगैरह ख़राब हो गए, तो मैंने वो हेलमेट पहना हुआ था। जनाब हम हमारी मंजिल 23 किलोमीटर दूर है और ये इलाका देख लें, माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त। ये बारिश आने वाली है, बिल्कुल बादल ऊपर आ गए आसमान पे, तो इसके बाद मगरब होने वाली है। ये एक जगह रुके हैं जी, जनाब अभी हो गए रात के 10:30, तो अभी हम पहुँचे हैं बाग। बाग में ये दीवाने अजीम और इंटरनेशनल होटल है, यहाँ पर दोस्तों ने कमरा कराया बुक, दो कमरे, अपनी अपनी ड्यूटी पे अब शुरू हो रहा है।
तो आइए आपको होटल भी चेक कराते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस, और ये इसका रेस्टोरेंट है, ये भी विजिट कराएंगे आपको। ये जनाब कमरा है, ठीक है, इस पर 3 बेडरूम है, कमरा माशाल्लाह अच्छा है। बुजुर्गान से यहाँ तक का सफ़र तकरीबन 7 घंटे का हमारा रहा, रास्ते में बारिश भी हुई काफ़ी, जो मैंने रिकॉर्ड कर सका कि GoPro नहीं था, तो माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। अभी जो है ना आगे का काम करते हैं शुरू, सुबह इंशाल्लाह जी हमारी का ये बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, तो थोड़ी देर और है। ये हमारी बीफ कढ़ाई और बाग के मकाम पर, ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर, और वो भी होटल के टॉप फ्लोर पे, ये यादगार रहेगा। देखने साथ हमने ये चेयरें रखी हुई हैं ताकि आवाज़ ना लगे इसको। कढ़ाई हो गई जी हमारी तैयार, तो चूल्हा हमने बंद कर दिया था, अब इसको नीचे ले के चलते हैं, साथ ही इंतज़ार कर रहे हैं। कढ़ाई आ चुकी है, बहुत सारे इंतज़ार में हैं। ये धनिया की गार्निश कर दी है और अब हम कर रहे हैं इसको शुरू, ठीक है, शुक्रिया मेहरबानी, अल्लाह सुबह सुबह का टाइम और पीछे सीनरी चेक कर रहे हैं। मेरे मुँह हाथ नहीं गया, सिर्फ सीनरी चेक करने के सुबह सुबह में उठ गया, बाकी टाइम बाकी सब दोस्त सोए हुए हैं, तो और कुछ नहीं, थकावट बहुत ज़्यादा थी। ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी का जब मैंने इतनी ज़्यादा बाइक चलाई। अभी आपको सीनरी चेक कराते हैं। सुबह का टाइम है और बाग में हमारा, ये रात को व्यू था जो हम आए थे, चेक कर लें कितना ज़बरदस्त इसका व्यू है। वो सामने बिल्डिंग पीसी की है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका व्यू है। ये पीछे बैक है इसकी, क्योंकि फिर हो जानी है धूप, फिर वो मज़ा नहीं रहना। ये देख लें, ये रात हम सोच रहे थे शोर किस चीज़ का, तो ये नीचे पानी जा रहा है। रात को हम इस साइड से आए थे, ये चौक है आगे और ये पुल भी है साथ। ये सुबह सुबह का व्यू है, अभी दुकानें हैं बाहर, ये साइड में